ये 5 बातें आपकी जिंदगी को बदल देगी। 1, जब तक कोई काम पूरा नहीं हो जाता तब तक पब्लिक में ढिढोरा पिटना बंद कीजिए। 2, जब आपका दिल टूटे, आपको बुरा लगे, आप उदास हो जाए तो समझिए कि लाइफ उस पल में, उस क्षण में आपको सिखाना क्या चाहती है। 3, आपकी कहानी से, आपकी जिंदगी से किसी को कोई मतलब नहीं जब तक आप सफल नहीं हो जाते, इसलिए लाइफ में सक्सेसफुल बनिए। 4, अपनी केयर खुद से कीजिए क्योंकि दुनिया तो आपका इस्तेमाल करना जानती है। 5, हम लाइफ में तब ग्रो नहीं करते जब चीजें आसान होती हैं, हम तब ग्रो करते हैं जब चीजें मुश्किल होती हैं। कुछ करना है तो डट कर चल, कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा दुनिया से हट कर चल। लीक पर तो सभी चल लेते हैं, कभी इतिहास को पलट कर चल। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा, जब तक ना हासिल हो मंजिल तो राह में आराम कैसा। अर्जुन सा निशाना रख मन में, ना कोई बहाना रख, लक्ष्य सामने है बस उसी पर अपना ठिकाना रख। सोच मत साकार कर, अपने कर्मों से प्यार कर, मिलेगा तेरी मेहनत का फल, किसी और का ना इंतजार कर। जो चले थे अकेले उनके पीछे आज मेले हैं, जो करते रहे इंतजार उनकी जिंदगी में आज भी झमेले हैं। सिर्फ 6 महीने में खुद को बेहतर बनाएं, रोज कम से कम 8 घंटे सोने की कोशिश करें, बहुत ज्यादा चाय या कॉफी ना पिए जिससे आपको नींद ना आने की समस्या हो सकती है। आपको रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठने की कोशिश करनी चाहिए, उठने के तुरंत बाद 2 गिलास पानी पीने से आपका पाचन सही रहता है। स्वस्थ खाएं, कभी भी अपना नाश्ता देना मत भूलें, रोज कोई फल सब्जी या दूध से बना हुआ उत्पाद जरूर सेवन करें, यह चीजें आपके शरीर को जरूरी पोषण तत्व प्रदान करती हैं। हर रोज कम से कम 10 मिनट कसरत या 30 मिनट मॉर्निंग वॉक जरूर करें, साथ ही रोज सुबह कहीं ऐसी खुली जगह पर जाएं जहां आप ताजी हवा ले सके। सुबह शांतिपूर्वक बैठकर 10 मिनट मेडिटेशन करें, रोज 1 घंटा जरूर पढ़ें। पढ़ने का कौन सा समय उचित है यह मायने नहीं रखता, जब भी आपको मौका मिले पढ़ने के लिए बैठ जाएं। जब आप लोगों के साथ में हो तो दूसरों को बोलने का मौका दें और स्वयं सुनें। आप सुनकर बहुत सी नई बातें सीख सकते हैं, जो आप बोलते हैं वह तो आप पहले से ही जानते हैं। रोज अपने माता पिता या घर के बुजुर्गों के साथ समय अवश्य बिताएं, आवश्यक रूप से आराम भी जरूर करें, और जब काम कर रहे हो तो बीच बीच में अपने लिए समय जरूर निकालें और खूब हंसे। अगले दिन की कार्य योजना पहले से बनाकर रखें, रोज की महत्वपूर्ण बातों को डायरी में लिखें हैं या नोट बनाएं, आभार व्यक्त करें। आपको जीवन में जो भी खुशियां मिली है उसके लिए ईश्वर या लोगों के प्रति आभार व्यक्त जरूर करें। जो लोग अपने व्यस्त जीवन से समय निकालकर आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण करते हैं उनकी पोस्ट को शेयर जरूर करें। सफलता के लिए सबसे बड़ी सीख, अनाज से भरे जार के ऊपरी हिस्से पर एक चूहा रखा गया। वह अपने आसपास इतना भोजन पाकर बहुत खुश हुआ कि अब उसे भोजन की तलाश में इधर उधर भागने की जरूरत नहीं रही और वह खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर सकता था। कुछ दिनों के बाद उसने अनाज को खाकर खत्म कर दिया और इस वजह से वह जार के निचले तल पर पहुंच गया। अब वह को उसी जार में फंस गया और उससे बाहर नहीं निकल पा रहा। उसे जीवित रहने के लिए किसी और पर उसी जार में अनाज डालने के लिए पूरी तरह से निर्भर रहना पड़ता है। उसने अपनी पसंद का अनाज मिलेगा और न ही वो वहां से निकल पाएगा। यदि उसे जीवित रहना है तो उसे जो भी जार में डाल दिया गया है उसी को खाना होगा। इस कहानी से हमें 4 बड़े सबक मिलते हैं। 1, तत्कालिक सुखों के लालच में हम बड़ी समस्या में फंस सकते हैं। 2, अगर चीजें आसान हो रही है और आप सहज हो रहे तो आप केवल जीवित रहने के मोड में फंस रहे हैं। बिना महत्वाकांक्षा के व्यक्ति संघर्ष करना भूल जाता है, जो कि आने वाले अप्रत्याशित समस्याओं के लिए तैयार रहने के लिए जरूरी है। केवल जीवित रहने के लिए जीवित रहने वाले व्यक्ति कोई नई समस्या आने पर संभल नहीं पाता। 3, जब आप अपनी स्किल का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो आप असल में अपनी स्किल खो रहे हैं। 4, यदि आप सही समय पर सही फैसला नहीं लेते हैं तो आपके पास जो है वह खत्म हो जाएगा और आप इस स्थिति से बाहर निकल नहीं पाएंगे। इसलिए एक्शन मोड में रहे और शॉर्टकट के चक्कर में गलत रास्तों का चुनाव न करें।